नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक आप लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, उसमें जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण का भी एक टॉपिक है, जो कि वर्तमान समय में न केवल किसी देश के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर लगातार मुहिम और प्रयास जारी है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपटा जाए और एक स्वस्थ माहौल का जो है निर्माण किया जाए। तो इसी के क्रम में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यानी कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण से किस तरीके से संबंधित है और किस तरीके से उस पर जो है उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों का अध्ययन आपके जो है सिलेबस में जो है रखा गया। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको समझ लेने का जो प्रयास करते हैं। ये न केवल यहाँ के लिए बल्कि अन्य मंडी एग्जाम और पीसीएस के और आईएएस के जो मुख्य परीक्षा के लिए भी यह समान रूप से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो जलवायु परिवर्तन कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण, जैव विविधता एवं मानव के जो संबंधों में असंतुलन के कारण से जो एक व्यवस्थित मौसमी दशाएं हैं उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है वही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो एक स्वस्थ मौसम की दशाएं हैं, पर्यावरण परिवेश की स्थिति है, ऋतुओं की स्थिति है, उनमें जब असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, उनके समय में परिवर्तन हो रहा है, उनकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक समुच्चय में अगर कही जाएं तो वो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज होती हैं। औद्योगिकरण के अब जलवायु परिवर्तन का अगर कहीं पर कई कारण दिए जाते हैं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में विकल्प वाले में आता है, तो औद्योगिकरण से जो है जलवायु परिवर्तन में व्यापक परिवर्तन आया। कैसे जलवायु परिवर्तन हुआ है औद्योगिकरण के कारण से? क्योंकि यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन उनका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है, कोयले है, पेट्रोलियम है प्रयोग किया जा रहा है, और इनके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, जिससे यहाँ पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और जिसके कारण से यहाँ तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक उष्मन की समस्या उत्पन्न हो गई है, और वैश्विक उष्मन के कारण से जो है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक सीरीज में मिली हुई हैं। तो जलवायु परिवर्तन का अगर कारण पूछा जाए एक लाइन में तो औद्योगिकरण है, क्योंकि इसमें सभी चीजों को शामिल कर लिया जाता है। अब जैसे कहने का मतलब यह है कि जीवाश्म ईंधनों का अगर प्रयोग देखिए, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हुआ, यहां से जो है CO2 निकला, यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से जो है वैश्विक उष्मन की समस्या उत्पन्न हुई, और यहां पे जो है मौसमी अनिश्चितता और इसी को जो है जलवायु परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के ये जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे इन संसाधनों के व्यापक स्तर पर प्रयोग, कल कारखानों में पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कोयला के रूप में किया जा रहा है, रोड पर चल रही हैं जो गाड़ियां, क्योंकि औद्योगिकरण का एक भाग है। तो इस तरीके से इन सभी जलवायु परिवर्तन के लिए औद्योगिकरण हमारा जिम्मेदार है। यद्यपि और भी चीजों से होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि औद्योगिकरण से कारण, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है ये ऐसे जो है गैसों का उत्सर्जन होता है जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उसके कारण ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लीजिए, ग्रीन हाउस का मतलब एक शीशे का घर। जैसे जब हम अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां क्या क्या सिचुएशन होता है, वहां पे साल के 10 महीनों में ऐसी स्थिति होती है कि बर्फ जमी होती है, तो वहां खेती नहीं हो पाती, तो वहां पे जो है एक शीशे का घर बना दिया जाता है। इस तरीके से शीशे का घर बना होता है और इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो फल सब्जी इत्यादि का उगाया जाता है। तो यहाँ पे जब शीशे का घर होता है तो सूर्य की किरणें इसमें आती हैं तो यहाँ से निकल नहीं पाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे पौधे फल इत्यादि के उगाने की मौसमी दशाएं पैदा हो जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसे ग्रीन हाउस घर कहा जाता है। और चूंकि अब एक सामान्य देशों में इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता, क्योंकि जब वातावरण में CO2 और अन्य जो है ग्रीन हाउस गैसें या जो है प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं, तो यहां पे जो है अगर इसको आधार माने तो यहां से जो है पर्यावरण में
या वायुमंडल में एक इस तरीके से जो है लेयर बन जाती है, ये प्रदूषक गैसों का लेयर बन जाता है। तो यहां पे जो है सूर्य की जो है किरणें तो इसमें विकिरण आती है, लेकिन पृथ्वी की तरफ से जब ये निकलती है तो ये जो है वापस नहीं जा पाती है। ऐसी स्थिति में जो है ये यहां पर एक जो है टेम्परेचर क्रिएट करता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये इसी की तर्ज पर होता है इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और इसके कारण से जो है वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न होती है, वैश्विक जो है ऊष्मन यहां पे शुरू हो जाता है। और ये जो है वैश्विक ऊष्मन के कारण से जो है मौसमी दशाएं परिवर्तित होती हैं और देन जो है जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जलवायु परिवर्तन को जो है आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के गैसें और ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया क्या है और मौसमी दशाओं को आप लोगों ने जो समझ लिया, तो ये स्थिति जलवायु परिवर्तन की जो होती है, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो है आप देखेंगे जो है बाढ़, सूखा, मौसमी परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है बारिश पहले कभी होती है और कभी बारिश बाद में होती है, मतलब किसी फसल के लिए जब जरूरत होती है तो उस समय नहीं होता। और इसके कारण से जो है बाढ़ आ रही, सूखा आ रहा है, अब बाढ़ के कारण से द्वीपों के पानी में डूबने की समस्या, द्वीपों के जो है समुद्र में डूबने की जो है समस्या उत्पन्न हो जा रही है, समुद्र में जो है डूबने की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। अब अल्ट्रावायलेट किरणें भी जलवायु परिवर्तन पर्यावरण का एक हिस्सा है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर आ रही तो उससे जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण से कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो कैंसर ओजोन परत को हमारे नुकसान पहुंचा रही हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसके कारण से जो हमारा जो है अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इससे जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी पर पहुंच जा रही हैं और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के स्किन डिजीजेस, कैंसर इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों में जो है सम्मिलित होता है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के कारण हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण से जो है आम लोगों के जीवन में जो है देखी जा रही है, और ये एक नकारात्मक परिवर्तन है जिससे बचने और निपटने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास और पहल भी जारी किए गए हैं। तो जैव विविधता और पर्यावरण इत्यादि को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन और प्रयास भी जारी रहे हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह संस्था जो है महत्वपूर्ण रूप में जो है काम करती है। और इसका मुख्यालय जो है वो मार्गस जो है स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1948 ईस्वी में की गई, मार्गस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसी संस्था से संबंधित WWF जो है यह की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई है, और 1961 ईस्वी में जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म यही है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में। इसका जो है मुख्यालय, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो दोनों ही संस्थाएं महत्वपूर्ण है। अब इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया, ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से तीन काम इसके द्वारा जो है किया जाता है। एक तो यह काम किया जाता है
कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यह पर्यावरण पर मानव के प्रभाव का समीक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है, लागू करने की स्थिति को देखता है और विभिन्न प्रकार के एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पर्यावरणीय एजेंसियों को जो है वित्तीय का काम करता है, यानी कि उनको धन की मुहैया करवाता है जहां जैसे जरूरत होती है। तो ये स्थिति हो गई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापना ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय। 3 महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किया जाता है। यहां पर एक रेड डाटा बुक भी होती है, रेड डाटा बुक भी बनाई गई है, रेड डेटा बुक बनाई गई है जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। यह गुलाबी पेजेस से युक्त होता है, ये गुलाबी पेज इसके होते हैं और इसमें जो है दुर्लभ संकटापन्न प्रजातियों को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यह स्थिति होती है परीक्षा में, रेड डाटा बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है कि क्या सम्मिलित होते हैं, दुर्लभ और संकटापन्न जो है प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है, गुलाबी रंग के पेजेस भी इसको जारी किया जाता है। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि इसी क्रम में जो है 3 पे जो है 1972 ईस्वी में जो है स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें, एक जो है यूएनईपी और दूसरा जो है 5 जून, ये 2 डेटा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1972 ईस्वी में जो है यूएनईपी की स्थापना की जाती है, यानी कि ये जो है चौथी महत्वपूर्ण संस्था हो गई कि स्टॉकहोम सम्मेलन में जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और यूएनईपी की स्थापना की गई 1972 ईस्वी में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है और एक महत्वपूर्ण चीज यूएनईपी के द्वारा ये भी किया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 10 परीक्षा में से 7 परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी की स्थापना कब किया गया, 1972 ईस्वी में किया गया। यूएनईपी का मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को इसे समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी करना है और ये सभी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन इत्यादि से संबंधित डेवलपमेंट है। इसीलिए आज के संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग इसे देख रहे हैं और इसमें जो हम लोगों ने सम्मिलित किया हुआ है। अब आप आ जाइए 1987 ईस्वी में, ये जो है पचवा है 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया और इसका नाम ही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। और दूसरी बात इसमें 16 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है, पहली इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट 16 सितंबर को 1987 में हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन सुरक्षा से संबंधित है। क्या संबंधित है, ये 1987 ईस्वी का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल एक स्थान है, वहीं पर इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कहा जाता है, ओजोन लेयर की सुरक्षा है। 16 सितंबर को इसकी स्थापना यहां पर हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको उनको ध्यान में रखना होगा। रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था इसलिए रियो शिखर सम्मेलन या इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बचाने के लिए जो है यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी में जो है एजेंडा 21 की बात जो है की गई है,
एजेंडा 21 की बात जो है इसी सम्मेलन में जो किया गया है, और इसी में जो है 1997 ईस्वी में जो है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया 1997 ईस्वी में, लेकिन लागू ये बनाया गया, लागू ये जो हुआ वो 2005 ईस्वी से लागू हुआ है। और इसके पूर्व में एक और संस्था यहाँ पे UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये पूरा नाम 1992 ईस्वी में ये भी अस्तित्व में जो है आता है। और इसका काम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है मसौदा तैयार करना होता है, यानी कि कानून का एक ढांचा तैयार करना होता है जिससे जलवायु परिवर्तन इत्यादि से निपटना संभव हो सके। तो इसी के जो है सम्मेलन आयोजित किए गए 1997 ईस्वी में जो है क्योटो में, जो है क्योटो जो है जापान का एक शहर है, वहां पे जो है इसको आयोजित किया गया, यही UNFCCC के जो है अंतर्गत ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों को, कार्बन गैसों को जो है उत्सर्जन को जो है कम करना है। तो यहाँ पर जो है ये बातें कही गई, ये 2005 ईस्वी से लागू किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया था, और यहाँ पर जो प्रदूषण के स्तर को 1990 के स्तर पर लाने की बात कही गई थी कि अब 1990 के स्तर पर इसको लाया जाए, क्योंकि 97 में 7 सालों में जो काफ़ी प्रदूषण आगे बढ़ चुका था। और इसी 92 के बाद 2002 ईस्वी में जो है, 2002 ईस्वी में जो है पृथ्वी टू शिखर सम्मेलन ये कहां पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में जो है हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जोहान्सबर्ग में हुआ था पृथ्वी टू शिखर सम्मेलन 2002 ईस्वी में, जहां पर इसके कार्यक्रमों की 10 वर्षीय जो है समीक्षा की गई थी। और 2015 ईस्वी में जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस शिखर सम्मेलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पेरिस शिखर सम्मेलन, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सारी जो है सम्मेलन है जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बचाने से जो है जुड़ी हुई है, और इससे संबंधित सवाल भी आपकी परीक्षा में कई बार जो है पूछा गया है कि इसको आप लोगों को तैयार करने की जरूरत है। इसी में एक और महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, चिपको आंदोलन, खैर सब लोग इसको जानते हैं कि वृक्षों से जो है संबंधित होकर के, या वृक्षों से जो है स्पर्श करके उनकी कटाई को रोकने से संबंधित 1920 में जो इम्पोर्टेंट डेट है वो मैं बताऊंगा, 1973 उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड के जो चमोली जिले में जो है ये, क्योंकि ये सारी डेटा जो है इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, चमोली जिले में जो है मनाया गया, उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पर जो है दो लोग सब बहुत महत्वपूर्ण थे चिपको आंदोलन से, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और ये इसी का जो संस्करण दक्षिण भारत में चला वो पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चला गया, इसी को ही जो है एपिको आंदोलन कहा गया, एपिको आंदोलन चलाया गया, ये कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में चला गया। तो दो इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है कि 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया उसे चिपको आंदोलन, और दक्षिण भारत में कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में जो आंदोलन वृक्षों के संरक्षण के लिए पांडुरंग हेगड़े के द्वारा जो चलाया गया वो आंदोलन जो एपिको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें जो इसमें आती है, सामाजिक बांकी का भी कार्यक्रम चलाया गया, सामाजिक बांकी इसको बचाने के लिए जो सामाजिक बांकी क्या है कि ग्राम समाज की भूमि पर स्थानीय लोगों के द्वारा भोजन, फल, रेशा और इसी तरीके से कुछ जैविक खाद इत्यादि के उद्देश्य से जो वृक्षारोपण का काम किया गया वो सामाजिक बांकी। इसमें तीन प्रकार की सामाजिक बांकी जो है निकल करके सामने आती है, कृषि सामाजिक बांकी, सार्वजनिक सामाजिक बांकी और सामुदायिक सामाजिक बांकी। इसको अगर शॉर्ट में जो है समझा जाए तो किसानों के द्वारा अपने खेत की मेड़ इत्यादि पर जो वृक्षारोपण किया जाता है वो कृषि बांकी कहलाती है। सार्वजनिक जैसे रेल है, सड़क है, इसके किनारे जो है जो वृक्षारोपण किया जाता है वो सार्वजनिक बांकी, और ग्राम समाज की भूमि पर जो बांकी किया जाता है वो सामुदायिक बांकी के अंतर्गत जो है आता है। और इससे निपटने के लिए सतत विकास की अवधारणा जो है प्रस्तुत की गई ब्रिटलैंड आयोग के द्वारा 1987 ईस्वी में अपने रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर
हमारा साझा भविष्य में सतत विकास को परिभाषित किया गया था और जिसमें यह बताया गया था कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें विकास के ऐसे मानक को स्वीकार करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता को बचाया जा सके और पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना संभव हो सके। तो ब्रिटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 का आवर कॉमन फ्यूचर में जो है ये चीज सतत विकास बताया, जो कि जलवायु परिवर्तन इतिहास से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर जो है आधारित है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, न केवल आपकी इसी परीक्षा बल्कि अन्य वनडी एग्जाम और प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ पीसीएस और आईएएस की मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आप इस लेक्चर को जो है डेफिनेटली समझने का प्रयास कीजिए, न केवल फैक्ट एंड फिगर में बल्कि कॉन्सेप्ट में भी। और आज के लेक्चर में बस इतना है, अपना अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।